सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, एंथनी जी, पी चिदंबरम जी, गौडा जी, वेणुगोपाल जी, ऑल माय कांग्रेस कॉलीग्स, जनरल सेक्रेटरीज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, आई'ड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर टुडे. वी आर रिलीजिंग this manifesto, and it is a massive step for the Congress party. When we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chidambaram, Mr. Gowda, and I gave them two instructions. I said this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. That was the first point. And the second point I said was, whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. They have delivered the voice of the people, and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance from the people. So when we talk about this, जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है. तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है. तो मैं चिदंबरम जी का, देव गौडा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं. मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, एसेस किया, वेट किया. एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए, तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. देखिए, मैनिफेस्टो में पांच बड़े आइडिया हैं. हमारा हार्ट का सिंबल है और पांच हमारे मेन थीम्स हैं. सबसे पहला थीम न्याय का थीम. प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था. पूरा देश जानता है कि वो झूठ था. हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए. हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल. गरीबी परिवार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी. एक साल में 72,000, पांच साल में 3,60,000. इससे दो काम होंगे. पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा पहली बार. और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी. तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम. दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, रोजगार और किसान. देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ. मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए,
सच्चाई क्या है? दो करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है, मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। और सच्चाई बड़ी क्लियर है, 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेनर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेनरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है, 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए, आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे, 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी, तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं, 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। किसान की बात आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया, 10 दिन के अंदर कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया, तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने दो चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं, एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो यह हमारा पहला स्टेप, और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप, हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, करोड़पति बैंक लोन लेते हैं, आपने देखा अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं, मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने, अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है, यूपीए के समय से रिड्यूस किया है। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है, बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं, हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे। और
हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का आपने रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड मालूम है। पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है, और उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। आतंकवाद के जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हम, कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करेगी, देश को एक साथ लाने का काम करेगी, और जो हमारा नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पे हमारा जबरदस्त फोकस होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।